नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, मैप माय इंडिया के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे किस चीज़ की, रेवेन्यू की। रेवेन्यू में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, यहाँ पर 89.41 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू आया है, जो पिछले क्वार्टर में 72.47 करोड़ था और एक साल पहले दोस्तों ये 65 करोड़ था। ठीक है, बात करते हैं अदर इनकम की। 8.32 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 10.46 करोड़ था और एक साल पहले दोस्तों 6.40 करोड़ थे। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आती दोस्तों वो है 97.73 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 82.93 ऑलमोस्ट 83 करोड़ था और एक साल पहले 71.41 करोड़ रुपीज़ दोस्तों। यानी टोटल इनकम में आप देखेंगे तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही शानदार जंप है दोस्तों। ठीक है, यानी ओवरऑल बिजनेस कंपनी का काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं खर्चों में, क्या खर्चों ने स्थिति को ख़राब किया है या अच्छा। तो देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पे कितना आया है, 14.22 करोड़, जो पिछले क्वार्टर 15.67 था और एक साल पहले दोस्तों ये 7.46 था। तो ईयर ऑन ईयर तो लगभग दुगना हो गया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो ये आपके साथ थोड़ी सी गिरावट इसमें दर्ज की गई है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 17.5 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 16.26 करोड़ था और एक साल पहले भी दोस्तों लगभग इतने ही थे। बात करें तो नेक्स्ट बड़े खर्चे की, कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग होस्टिंग एक्सपेंसेस की, तो यहाँ मात्र 2.47 करोड़ है, जो उससे पहले 1 करोड़ था और एक साल पहले भी दोस्तों 1.5 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा कीमत थी। बात करें अदर एक्सपेंसेस की, तो आप देखेंगे यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस ये 8.25 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 6.79 करोड़ था और एक साल पहले 6.93, यानी ऑलमोस्ट 7 करोड़ थी। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की, तो यहाँ पर दोस्तों आया है 3.19 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ था, एक साल पहले लगभग 2 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आएगा दोस्तों वो है 55.81 करोड़। ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में 48.44 करोड़ था और एक साल पहले 37.68 करोड़ थे दोस्तों। ठीक है, तो टोटल खर्चा आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। जब मैं काफ़ी अच्छा कहता हूँ दोस्तों तो ये एक्सपेंसेस हैं, ये आप कहते हैं प्रॉफिट्स नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या रहा है, टैक्स के पहले ये कितना रहा है, 41.85 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 34 करोड़ था और एक साल पहले 33 करोड़ रुपये था दोस्तों। तो एक ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छी जंप है मैं कहूँगा। अब टैक्स के बाद क्या हाल चाल है, तो देखिए आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप कह सकते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द ईयर, वन सेकेंड, ये रहा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव, हाँ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दोस्तों ये 31.89 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 28.37 करोड़ थी, एक साल पहले 24.19 करोड़ थी। यानी वाकई में टोटल प्रॉफिट आप देखेंगे टैक्स के बाद तो आपको जंप देखने को साफ साफ मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं ईपीएस की, डायल्यूटेड ईपीएस देखेंगे तो जहाँ 5.09 रुपये थी वो बढ़ करके 5.86 रुपये हो गई है, एक साल पहले जहाँ वो 4.43 रुपये थी वो बढ़ करके 5.85 हो गई है। तो यानी ओवरऑल आपको साफ साफ जम देखने को मिल रहा है। अब देखना ही होगा कि बाज़ार इस रिजल्ट को कैसा लेता है दोस्तों। तो एक बहुत ही छोटी एनालिसिस थी रिजल्ट की, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप ऐसा करेंगे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।